आजमगढ़ उपचुनाव का हिस्सा बन चुके, लोकसभा बाय इलेक्शन का हिस्सा बन चुके दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया। जैसे ही उन्हें प्रत्याशी बनाया गया भाजपा की ओर से, सपा पर जमकर चुटकी लेते हुए नजर आए हैं आजमगढ़ पहुंचकर दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी हाँ, इस बार नहीं है कोई चुनौती, कह दिया उन्होंने। दरअसल आजमगढ़ में डिंपल यादव को चुनावी मैदान पर उतारने का प्लान था समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी में अखिलेश डिंपल के समर्थकों ने अखिलेश तक अपनी बात रखवाई थी, प्रस्ताव पहुंचाया था कि डिंपल को यहां पर चुनावी मैदान पर उतारा जाए क्योंकि यादवों का ये गढ़ है, डिंपल को जीत मिल सकती है। लेकिन किसी कारणवश डिंपल यादव को इस टिकट को देने से सीधा मना कर दिया। यादव परिवार में अखिलेश यादव और मुलायम का ये फैसला नजर आया और इसके बाद मुलायम बहू डिंपल यहाँ चुनावी टिकट नहीं ले पाए, जिसके बाद देखा जाए तो भाजपा के साथ ये जो उन्हें फैसला मिला है। निरहुआ ने कहा, आजमगढ़ जाकर जनता ने पिछले चुनाव में अखिलेश को मौका दिया, भाजपा के साथ जनता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव, जो कि आजमगढ़ में पहले चुनावी मैदान पर लोकसभा में जीत चुके हैं, उन्हें करारी हार इस बार मिलेगी, ये कह दिया है निरहुआ ने। क्योंकि निरहुआ को पता है कि कोई चुनौती नहीं है, उन्होंने कहा है। जी हाँ, भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने भी पदाधिकारियों के साथ बैठकर चुनावी टिप्स दिए हैं निरहुआ को और लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जिताया जा सकेगा, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, इस बार के लोकसभा उपचुनाव में भाजपा को कोई चुनौती नहीं देगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं यादव परिवार का घमंड उन्होंने तोड़ा है कि डिंपल यादव का घमंड तोड़ा है। निरहुआ ने डिंपल यादव का सीधा घमंड तोड़ा है, कहना गलत नहीं होगा। डिंपल को जरूर लोकसभा उपचुनाव में बिठाया जा सकता था, ये बताया जा रहा था, लेकिन ना तो राज्यसभा ना ही लोकसभा उपचुनाव में उन्हें जगह मिली। अब 2019 के लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हुए निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव के साथ थी सारी पार्टियां उस वक्त गठबंधन में, इसलिए वो जीत गए। इस बार मैं सबके साथ हूँ और मैं अकेला था उस वक्त, इसलिए हार गया। इस बार मुकाबला कड़ा होगा। प्लस पॉइंट ये है कि जनता ने अखिलेश को मौका दिया था, उन्होंने छोड़ दिया, अब जनता को एक मौका मिला है, भाजपा मौका को नहीं जाने देगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ बताते चले, निरहुआ ने यह भी कहा, केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार है। जिस तरह से हम लोगों की जनता से बात हो रही है, जिले की जनता भी भाजपा के साथ जुड़ने का मन बना रही है। 3 साल में अखिलेश यादव ने जितना किया उससे कई गुना काम 2 साल के कार्यकाल में भाजपा करेगी। जिले की जनता ने भाजपा के साथ आने का वायदा भी किया है। इस तरह से खुले तौर पर देखा जाए तो निरहुआ धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, कहना भी गलत नहीं होगा कि हार जीत तो उन्हीं की होगी और हार सपा की होगी। जिले की जनता से अपील करते हुए निरहुआ नजर आए, जाति धर्म न कनवो, भर्म न कनवो, मनबर के लिए कमल का बटन दबाई है भैया आपने, आजमगढ़ के लिए, ये कहा है उन्होंने। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।